कम हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, टायर टायर देखो, ये है 200 सेक्शन का टायर है, बाकी बहुत ब्रॉड है, ये देखो काफी ब्रॉड है। अरे यार मेरे को कैमरा भी चेक कर लेना चाहिए कि ऑन भी है, मैं बक बक कर रहा हूँ। वाह कैमरा ऑफ है, मैं इस वाले कैमरे से आपको ये दिखा रहा था और ये कैमरा ऑफ है, तो इसलिए अब मैं वो वाला कैमरा उठाता हूँ। Yeah, I got the juice. Whip game cool, make them look like cool. Always play cool, that's the biggest rule. Fuck it, what they doing, keep on doing that. Oh, चैनल आरवी एक्सप्लोरर। आज की वीडियो में हम इसके टायर का रिव्यू करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, इसमें मैंने 200 सेक्शन का टायर डलवाया, मैंने सिर्फ इंस्टॉलेशन दिखाई आपको, मैं आपको उसमें कुछ नहीं दिखा पाया कि मैंने क्या क्या जुगाड़ करा क्या नहीं किया। मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया कि वो मड फ्लैप अड़ रहे थे और चेन कवर भी अड़ रहा था, लेकिन मैंने उसको कैसे जुगाड़ किया मैं आपको वो नहीं बताया, आई एम रियली सॉरी उसके लिए। बाकी अब इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ भी बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने क्या किया, हाँ कहाँ पे क्या गड़बड़ाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं आपको सब बताऊंगा। और मैं एक बार आपको ऑनेस्ट रिव्यू बता दूंगा कि मैंने 200 सेक्शन का टायर लगवाया तो मेरे को कैसा रिव्यू आया। फर्स्ट मेरा कोई मतलब नहीं था 200 सेक्शन का टायर डलवाना, बहुत लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि भाई हैंडलिंग खराब हो जाएगी, आपने 200 का टायर डलवा लिया हैंडलिंग खराब हो जाएगी, आपको ही कह रहे 220 का टायर डलवाओ। भाई 220 का टायर कहाँ ही मिलेगा, और मिल भी गया तो डलवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और हैंडलिंग देखो मैं सही बताऊं, सबको लगता है कि टॉप एंड भी कम हुआ, टॉप एंड कम हुआ होगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है, टॉप एंड तो वैसे थोड़ा सा फर्क पड़ा है मेरे को टॉप एंड पे, लेकिन टॉप एंड कम हुआ, उसके साथ आपको ये भी होगा कि माइलेज ड्रॉप हुई, माइलेज ड्रॉप मेरे को महसूस नहीं हुआ, माइलेज का सीरियसली बताऊँ मेरे को महसूस नहीं हुआ। टॉप एंड हाँ कम हुआ था, माइलेज ड्रॉप मेरे को लग नहीं रहा कि वो हुई है, क्योंकि मेरी 28 देती थी नॉर्मली, अब 29 ही दे रही है। मैं दिखा देता हूँ आपको माइलेज, ओ 27 हो गई भाई, सॉरी 28 से 29 बोला था मैंने, 27 हो गई। और वो अब ये मत सोचना कि मैंने ऐसा बोला इसलिए हो गई, ये क्या है कि मेरी अब स्ट्रीट पर ज़्यादा चल रही है, और थोड़ा ये एसी एग्जॉस्ट के चक्कर में कल संडे राइड पे गया था मैं और मैंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया है, इस वजह से वो थोड़ा सा ड्रॉप हो गई है। बाकी अगर आपको इसका माइलेज टेस्ट अभी करवाऊँ मैं, तो अब माइलेज देखो क्या आ रही है, 28 29, मतलब 28 29 28 29, अब ये बढ़ती रहेगी क्योंकि अभी यहाँ पे कोई जाम है नहीं, मैं बिल्कुल इज्जत से चलाऊंगा, तो ये अभी 40 तक पहुँच जाएगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है ऐसे में। बाकी तो ये आपको पता, 1 लीटर यूज होने के बाद ही पता लगता है कि प्रॉपर माइलेज कितने पे आती है, 35 36, ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाएगी, तो रहने दो उसको। इसकी प्रॉपर माइलेज मैं बता रहा हूँ 29 से 30 की मिल जाती थी मेरे को, और एग्जॉस्ट लगा 200 सेक्शन का टायर लगा तब भी। हाँ अब मुद्दे पे आता है कि 200 सेक्शन का टायर लगवाने के बाद मेरे को दिक्कतें कहाँ कहाँ पे महसूस हुई हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को क्या लगी, जब मैं टॉप स्पीड पे जाता हूँ, वो देखो 200 सेक्शन के टायर की दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत है मैंने जो टायर डलवाया वो स्पोर्ट्स टायर नहीं है। मतलब एक कैटेगरी होती है कि स्पोर्ट्स क्रूजर उस टाइप में, वो स्पोर्ट्स टायर नहीं है। मैं आपको भी यहाँ रुक के दिखाता हूँ टायर कैसा है क्या नहीं है, कितना प्यारा लग रहा है, प्यारा तो भाई साहब गजल लग रहा है। अब मैं वही सोच रहा हूँ, अगर मैं इसमें वापस मिशलिन का जो हमारा स्टॉक टायर होता है वो डलवा देता हूँ, तो मेरी बाइक बहुत ज़्यादा छोटी लगेगी, और इसकी अभी सीट हाइट भी बहुत इनहेंस हुई है, ऊंची हो गई है, वो भी कम हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ टायर टायर देखो, ये है 200 सेक्शन का टायर है, बाकी बहुत ब्रॉड है, ये देखो काफी ब्रॉड है। अरे यार मेरे को कैमरा भी चेक कर लेना चाहिए कि ऑन भी है, मैं बक बक कर रहा हूँ। वाह कैमरा ऑफ है, मैं इस वाले कैमरे से आपको ये दिखा रहा था और ये कैमरा ऑफ है, तो इसलिए अब मैं वो वाला कैमरा उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ।
सो गाइस ये देखो, ये है 200 सेक्शन का टायर, पूरा बढ़िया लगा हुआ है। मेरे को ये नट वगैरह सारे थोड़े से एडजस्ट करने पड़े थे, मेरे को ये उठाने पड़े, सारे नट उठाने पड़े मेरे को दोनों साइड से। ये देखो ये थोड़ा सा रह गया है, ये उठाना पड़ा था मेरे को काफ़ी हद तक। और इस चक्कर में क्या हुआ, थोड़ा सा उठाया वगैरह, सब ओके हो गया। बाकी एग्जॉस्ट लगा हुआ है देख सकते हो। ये टायर है बहुत प्यारा, मेरे हिसाब से अच्छा है। बाकी तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को तो टायर की क्वालिटी वगैरह बहुत बेस्ट लगी है। चलने वाले में थोड़ी सी हैंडलिंग में प्रॉब्लम आई है मेरे को, क्योंकि यार 200 सेक्शन का टायर है तो आनी भी चाहिए, ज़्यादा 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 ब्रॉड हो गया टायर, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है। स्टॉप एंड में क्या होता है, 160 के बाद बबल करता है पीछे से, बाकी तो कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई मेरे को। थोड़ा सा बबलिंग वाली दिक्कत है, वो तो यार आएगी। और क्या है, ये हार्ले डेविडसन का टायर है, तो हार्ले डेविडसन का टायर स्पोर्ट्स बाइक के लिए नहीं होता। ये भी मेरी गलती थी कि हमने हार्ले डेविडसन का ख़रीदा, हमें ख़रीदना ही था तो हम किसी सुपर बाइक का ख़रीदते तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती। और क्या था, ये हमने R15 के लिए लिया था, मेन पर्पस हमारा R15 में लगाना था, लेकिन उसमें लगा नहीं पाए थे, दैट्स वाई मेरे को इसमें 200 लगाना पड़ा। और मेरे को भी चेक करना था, सीरियसली बताऊँ मेरे को भी चेक करना था, लगता नहीं लगता, तो जस्ट फॉर ट्राई ही ये लगाया गया था। और हमने तो ये भी सोचा था कि उसके बाद हमारी जो राइड है हम उस पर टायर निकाल देंगे, लेकिन यार वो लुक इतनी प्यारी आ रही थी, मैंने सोचा छोड़ चलने देते हैं। अभी भी मैं इसको इस वजह से ही चला रहा हूँ कि लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही है, थोड़े टाइम बाद अगर कोई राइड होती है तो मैं इसको हटा दूंगा। बाकी अब ये दो वीडियोस मैं एक दिन में शूट क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि मैंने मेरे 2000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस वजह से मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वो डाला था कि मैं जैसे ही 2000 वॉच आवर्स कंप्लीट होंगे मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा पूरी, मतलब पूरे के पूरे वीक इस बाइक की कोई ना कोई वीडियो, इस बाइक की नहीं मतलब मैं अपने यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो डालूंगा पूरे वीक। तो इस वजह से आज से मेरे को हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो कुछ ना कुछ डालना ही है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। बाकी तो ठीक है, बाकी मैंने आपको इसमें सब समझाई दिया, 200 सेक्शन के टायर में क्या दिक्कतें आई, वैसे ज़्यादा मैंने समझाया नहीं। हाँ, पर यह है कि टॉप एंड कम हो गया, पिकअप में कोई फ़र्क नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि यार ये इतनी बड़ी बाइक है, इसमें वैसे ही इनिशियल पिकअप भी इतना ज़्यादा है कि क्या ही फ़र्क लगेगा। पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, टॉप एंड थोड़ा सा कम हो गया, 160 पे बबल खाने लगती है, इसलिए मैं 160 नहीं लेके जाता, 150 पे ले जाता हूँ। वैसे ये 180 तक ऑलमोस्ट सब पहुँचा ही देते हैं, तो यार 180 बहुत होती है वैसे तो, 150 भी बहुत ही है, तो इससे ज़्यादा भगाना होता ही नहीं है। और लुक तो भाई साहब गजब आती है, आप सबको पता ही है। बाकी इस टायर के इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बाकी तो कुछ है नहीं इस वीडियो में, टायर मैंने आपको दिखाई दिया कैसा लगता है कैसा नहीं लगता। तो चलो अब इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके सॉरी, मेरी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो उसके लिए ठीक है, बाय बाय, छोड़ो।